हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज पैराडॉक्सन इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ। क्वेश्चन में कहा है कि पैराडॉक्सन किसका कंस्टिट्यूएंट होता है, किसका पार्ट होगा? फर्स्ट PS1 का, सेकंड PS2 का, थर्ड हिल रिएक्शन का, और इज इट फोर्थ P680 का। सो द की कांसेप्ट इज पैराडॉक्सन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। So, होता क्या है, जो लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, वो कहाँ होती है? थैलाकोइड्स में होती है, थैलाकोइड्स की मेम्ब्रेन पर। और जो डार्क रिएक्शन होती है, इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। सो लाइट रिएक्शन में कुछ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज फोटोसिस्टम्स होती हैं। एक होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट, दूसरा होता है PS2। सो सबसे पहले क्या होता है, जो सनलाइट होती है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? PS2 एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा और इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है, हाइड्रोजन लिवन में चला जाता है और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है PS2, उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक ट्रांसफर करता है। देन आफ्टर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC में चला जाता है और फिर जाता है ये PS1 में। सो PS1 से ये अगेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक जाएगा, जहां पर ये NADP से कंबाइन होके NADPH बनाता है। और यहाँ पर ADP से ADP बनता है। सो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फेराडॉक्सिन किसका कंस्टिट्यूएंट होता है, किसका पार्ट होता है। सो फेराडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट होता है। सो सबसे पहले PS1 ने जैसे ही अपनी सनलाइट एब्जॉर्ब करी तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और वो किसको ट्रांसमिट कर देगा, ये फेराडॉक्सिन को। सो फेराडॉक्सिन में कहां से आ रहा है इलेक्ट्रॉन? PS1 से आ रहा है। इसके बाद ये क्या करता है फेराडॉक्सिन, NADP को रिड्यूस करता है और बना लेता है NADPH, जो कि फिर केल्विन साइकिल में जिसका यूज होता है। सो ये किसका पार्ट है? PS1 का पार्ट है, नॉट PS2। सी है हिल रिएक्शन। सो हिल रिएक्शन में क्या आता है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन आता है इसमें विद इन्वॉल्विंग PS2। ये फेराडॉक्सिन से लिंक नहीं करता है। ऑप्शन डी P680। तो P680 किसको कहते हैं, PS2 का ही पार्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ए PS1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।